What are you doing with your watch? स्टिंग फ्लाई बेन का पहला फ्लाइंग टाइप एलियन था और आज इसी एलियन के अल्टीमेट फॉर्म के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको नॉर्मल स्टिंग फ्लाई के बारे में बताऊंगा, तब जाके मैं आपको अल्टीमेट स्टिंग फ्लाई के बारे में बताऊंगा। और हाँ, मैं आपको जितनी भी बातें अल्टीमेट स्टिंग फ्लाई के बारे में बताऊंगा, ये मेरा खुद का पर्सनल थियरी होगा और यह थियरी बेंटेन यूनिवर्स में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। न्यू अल्टीमेट एलियंस थियरी सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस सीरीज के वीडियोस में मैं बेंटेन के उन एलियंस के अल्टीमेट फॉर्म के बारे में बात करता हूं, जिनका अल्टीमेट फॉर्म हमें बेंटेन की सीरीज में कभी भी देखने को नहीं मिला। तो आप अल्टीमेट स्टिंग फ्लाई का वीडियो देखने के बाद उन एलियंस के ऊपर भी वीडियोस देखना। मैंने बेंटेन के और भी एलियंस के अल्टीमेट फॉर्म के ऊपर वीडियोस बना रखा है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो सुपर स्पार्की। तो चलिए देखते हैं। स्टिंग फ्लाई का फर्स्ट अपेयरेंस बेंटेन क्लासिक के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 में हुआ था। तो अब मैं आपको स्टिंग फ्लाई की पावर्स एबिलिटीज के बारे में बता देता हूँ। स्टिंग फ्लाई की पहली एबिलिटी है फ्लाई करना। वो काफी ज्यादा तेजी से फ्लाई कर सकता है। स्टिंग फ्लाई की बॉडी काफी ज्यादा बड़ी है, इसके कारण वो 300 किलो तक का वेट भी उठा सकता है। उसकी नेक्स्ट एबिलिटी है टॉक्सिक सलाइबा को छोड़ना। ये टॉक्सिक सलाइबा काफी ज्यादा जहरीला होता है और टॉक्सिक सलाइबा गम का काम भी करता है। इसके अलावा स्टिंग फ्लाई के पास मिथेन गैस को रिलीज करने की एबिलिटी है। स्टिंग फ्लाई का मिथेन गैस आग लगाने का भी काम करता है। इसके अलावा स्टिंग फ्लाई सिर्फ मिथेन गैस को ही नहीं रिलीज कर सकता है, वो पॉइजन गैस को भी रिलीज कर सकता है। इसके अलावा वो अपने आंखों को इधर उधर घुमाकर 360 डिग्री तक देख सकता है। स्टिंग फ्लाई के पास उसकी एक खतरनाक टेल है जो कि इतनी स्ट्रांग है कि वो स्टील तक को चीर दे। स्टिंग फ्लाई के कुछ पावरफुल मोमेंट्स के बारे में बात करें तो एक बार स्टिंग फ्लाई डॉक्टर एनिमो के एनिमल्स को कड़ी टक्कर दे चुका है। स्टिंग फ्लाई अपने नेचुरल प्रेडेटर से भी लड़ चुका है। तो अब मैं आपको स्टिंग फ्लाई के वीकनेस के बारे में बता देता हूँ। स्टिंग फ्लाई की पहली वीकनेस है फायर। वो फायर अटैक्स के अगेंस्ट काफी ज्यादा वीक है। उसकी दूसरी वीकनेस है पानी। अगर पानी से उसका पंख भींग जाए तो उसके बाद स्टिंग फ्लाई की स्पीड काफी ज्यादा लो हो जाती है। स्टिंग फ्लाई की बॉडी से एक खास तरह की स्मेल निकलती है जिसके कारण उसका एनिमी उसे आसानी से ट्रैक कर सकता है। और इलेक्ट्रिसिटी भी उसकी एक बहुत बड़ी वीकनेस है। इसके अलावा वो बिग लिजार्ड के सामने यानी अपने नेचुरल प्रेडेटर के सामने काफी ज्यादा वीक है। तो यही सब थी नॉर्मल स्टिंग फ्लाई के बारे में डिटेल्स। तो अब मैं आपको अल्टीमेट स्टिंग फ्लाई के बारे में बता देता हूँ। स्टिंग फ्लाई जब अपने अल्टीमेट फॉर्म में आएगा तो उसकी बॉडी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। उसकी पुरानी एबिलिटीज तो उसके पास रहेगी ही, लेकिन उसके पास कुछ नई एबिलिटीज भी आ जाएगी। अपने अल्टीमेट फॉर्म में आने के बाद उसके पास एसिड को रिलीज करने की एबिलिटी आ जाएगी। इस एबिलिटी के कारण वो अपने ओपोनेंट को और भी ज्यादा डैमेज कर पाएगा। पहले स्टिंग फ्लाई की टेल सिर्फ और सिर्फ नीचे से ही काट पाती थी, लेकिन अपने अल्टीमेट फॉर्म में उसके पास ऊपर से भी काटने की एबिलिटी आ जाएगी। उसके पैर और भी ज्यादा शार्प हो जाएंगे जिसकी मदद से वो और भी ज्यादा डैमेज कर पाएगा। और अल्टीमेट स्टिंग फ्लाई पहले से भी ज्यादा जहरीला पॉइजन गैस को रिलीज कर पाएगा। और इन दी एंड अल्टीमेट स्टिंग फ्लाई की सबसे बड़ी वीकनेस होगी फायर एंड वाटर। तो गाइस, यही था अल्टीमेट स्टिंग फ्लाई के ऊपर एक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना। आज का लाइक है 1K लाइक्स का। मुझे मालूम है कि आप लोग 1K लाइक्स को कंप्लीट कर दोगे। और आप कमेंट करके मुझे बताना कि अल्टीमेट स्टिंग फ्लाई के पास और क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए थी। इसके अलावा स्टिंग फ्लाई के फैंस के साथ ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो लोग भी स्टिंग फ्लाई और अल्टीमेट स्टिंग फ्लाई को जान सके। और गाइस, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो। आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे जरूरी काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको यहाँ पे बेन 10 और सुपर हीरोज की वीडियोस देखने को मिलती है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए आप लोग ये वाली वीडियोस को देख सकते हो।